यस, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो अब मैं आपके लिए लेके आऊँ 10+1+1 क्लास के ये फोटोग्राफ जो पोएम है उसके टेक्सुअल शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 5। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज द वर्ड कपबोर्ड डिनोट इन द पोएम? व्हाई हैज दिस वर्ड बीन यूज्ड? व्हाट डज दी वर्ड कार्डबोर्ड, कपबोर्ड नहीं सॉरी, कार्डबोर्ड डिनोट इन दी पोएम? व्हाई हैज दिस वर्ड बीन यूज्ड? कविता में कार्डबोर्ड शब्द क्या सूचित करता है? इस शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया है? भी कार्डबोर्ड शब्द कविता के फर्स्ट व्यंजन में ही यूज किया गया, ये क्यों किया गया है? द वर्ड कार्डबोर्ड हैज बीन यूज फॉर द मदर्स फोटोग्राफ। द वर्ड कार्डबोर्ड हैज बीन यूज फॉर द मदर्स फोटोग्राफ। भी कार्डबोर्ड शब्द का प्रयोग है ना माँ की फोटो के लिए किया गया है, माँ की फोटो है उस कार्डबोर्ड पे। नाउ द फोटोग्राफ इज जस्ट ए कार्डबोर्ड बिकॉज द मदर इज ऑलरेडी डेड। अब तो है ना फोटो मात्र एक कार्डबोर्ड ही है, नाउ मीन अब द फोटोग्राफ इज जस्ट ए कार्डबोर्ड। अब तो ये कार्डबोर्ड पे फोटो है ना वो ही है बस, क्योंकि द मदर इज ऑलरेडी डेड, उसकी माँ की मृत्यु पहले ही हो चुकी है। आई रिपीट अगेन, द वर्ड कार्डबोर्ड हैज बीन यूज फॉर द मदर्स फोटोग्राफ। भी ये कार्डबोर्ड है ना माँ की फोटोग्राफ को व्यक्त करता है। नाउ द फोटोग्राफ इज जस्ट ए कार्डबोर्ड। अब ये नाउ द फोटोग्राफ इज जस्ट ए कार्डबोर्ड, अब तो है ना फोटो एकमात्र कार्डबोर्ड ही है, क्योंकि द मदर इज ऑलरेडी डेड, माँ की मृत्यु पहले ही हो चुकी है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट हैज द कैमरा कैप्चर्ड, कैमरे ने क्या तस्वीर ली है? व्हाट हैज द कैमरा कैप्चर्ड, कैमरे ने क्या तस्वीर ली है? द कैमरा हैज कैप्चर्ड 3 लिटल गर्ल, वन ऑफ देम इज दी पोएटेस मदर। कैमरे ने 3 लड़कियों की पिक्चर ली है, कैमरे ने 3 लड़कियों की तस्वीर ली है, वन ऑफ देम इज द पोएट्स मदर, और उनमें से एक कवित्री की माँ भी है। ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ, द कैमरा हैज कैप्चर्ड 3 लिटल गर्ल्स, कैमरे ने 3 लड़कियों की फोटो कैप्चर की है, 3 लड़कियों की फोटो ली है, वन ऑफ देम इज दी पोएटेस मदर, और उनमें से एक कवित्री की माँ भी है। द अदर 2 आर द मदर्स गर्ल कजन, और दो दूसरी लड़कियां जो है ना उसकी माँ की चचेरी बहन है। कजन होता है चचेरी बहन, मौसेरी बहन। ठीक है, द अदर 2 आर द मदर्स गर्ल कजन, और दो दूसरी जो लड़की है ना वो उसकी चचेरी बहन है। ईच ऑफ देम इज होल्डिंग वन हैंड ऑफ दी मदर, और दोनों ही लड़कियों ने, दूसरी जो दोनों लड़की है ना, ईच ऑफ देम उनमें से दोनों ने इज होल्डिंग, उन्हें पकड़ रखा है वन हैंड ऑफ दी मदर, माँ का एक एक हाथ, और दूसरी दोनों लड़कियों ने उसकी कवित्री की मदर का एक एक हाथ पकड़ रखा है। द मदर वॉज देन जस्ट ए गर्ल ऑफ 12। माँ की आयु उस समय केवल 12 वर्ष की थी। द मदर वॉज देन जस्ट ए गर्ल ऑफ 12, माँ की आयु उस समय केवल 12 वर्ष की थी। ऑल द 3 गर्ल आर स्माइलिंग थ्रू देयर फ्लाइंग हेयर, ऑल द 3 गर्ल आर स्माइलिंग, वे तीनों लड़कियां मुस्कुरा रही थी, कहाँ से? थ्रू देयर फ्लाइंग हेयर, अपने उड़ते हुए बालों के बीच में से, अपने उड़ते हुए बालों के बीच में से अपना चेहरा दिखाकर वे मुस्कुरा रही थी। वे तीनों लड़कियां अपने उड़ते हुए बालों के बीच में से मुस्कुरा रही थी। ठीक है, दे आर स्टैंडिंग इन शैलो वाटर ऑन द सी बीच, दे आर स्टैंडिंग इन शैलो वाटर होता है गहरे पानी में, शैलो वाटर, वे समुन्दर किनारे समुन्दर के तट पर गहरे पानी में खड़ी हुई थी। वह समुन्दर तट पर कम गहरे पानी में, शैलो वाटर होता है कम गहरा पानी, कम गहरे पानी में खड़ी हुई थी।
they are standing in shallow water on the sea. Next question. What has changed over the years? Does this suggest something to you? What has changed over the year? वर्षों के बाद में कौन कौन सी चीज बदल जा बदली है इतने वर्षों के बाद में कौन कौन सी चीज बदली है. डज दिस सजेस्ट समथिंग टू यू, क्या इससे आपको कोई विचार प्राप्त होता है, भी ये चीजें बदली है, भी इससे क्या विचार आपको प्राप्त होता है. वर्षों के बाद कौन कौन सी चीज नहीं बदली है. वट हैज नॉट चेंज ओवर दिस ईयर. डज दिस सजेस्ट समथिंग टू यू, वर्षों के बाद भी कौन कौन सी चीज नहीं बदली है, क्या इससे आपको कोई विचार प्राप्त होता है. नाउ आंसर, दी सी हैज नॉट चेंज ओवर द ईयर्स. वर्षों के बाद भी समुद्र में कोई तब्दीली नहीं आई है. द सी हैज नॉट चेंज ओवर द ईयर, वर्षों के बाद भी समुद्र में कोई तब्दीली नहीं आई है. बट ए ग्रेट चेंज हैज कम इन दोज हु वंस पैडल्ड ऑन इट्स बीच. बट ए ग्रेट चेंज हैज कम इन दोज हु वंस पैडल्ड ऑन इट्स बीच, परंतु उन लोगों के जीवन में, उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है, उनके जीवन में बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है, जो कि इन बीच पे, इस किनारे पे, इस तट पे नंगे पाव घूमा करते थे. किंतु उन लोगों में भारी तब्दीली आ गई है जो कभी इसके तट पर नंगे पांव घूमा करते थे, यानी इस नंगे पांव इस तट पे घूमा करते थे ना, जैसे कि कवित्री की मदर है, वो पहले ही मर चुकी है, तो ये उनके जीवन में तो बहुत बड़ी तब्दीली है. इट सजेस्ट दैट वाइल ह्यूमन लाइफ इज टेरिबली ट्रांसिस्ट, इससे यह पता चलता है कि इससे यह विचार प्राप्त होता है कि इट सजेस्ट, इससे यह सुझाव मिलता है कि, ऐसे भी बोल सकते हैं, इससे यह सुझाव मिलता है कि वाइल ह्यूमन लाइफ इज टेरिबली ट्रांसिस्ट, भी कैसे एक मनुष्य का जीवन कैसे एक क्षणभंगुर है, कैसे एक अस्थाई है, ट्रांसिस्ट होता है अस्थाई, भी कैसे मनुष्य का जीवन एक अस्थाई है. द सी हैज ऑलवेज रिमेन्ड द सेम, और जबकि समुन्द्र सदा वैसा ही बना रहता है. भी इससे यह विचार होता है कि मानव जीवन भयानक रूप से क्षणभंगुर है, जबकि समुद्र सदा वैसा ही बना रहा है. ठीक. फोर्थ क्वेश्चन, द पोएट्स मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, व्हाट डिड दिस लाफ इंडिकेट. कवित्री की माँ फोटो देखकर हंस दी. कवित्री की माँ है ना, फोटो को देख देख के, अपनी फोटो को देख देख के बार बार हंस रही थी, हंस दी थी. यह हंसी क्या व्यक्त करती है? What did this laugh indicate? Answer, it showed that the mother had a happy childhood. It shows, इससे पता चलता है कि the mother had a happy childhood. मदर का, कवित्री के मदर का जो जीवन है ना, बहुत ही खुशी भरा था, बचपन जो था ना उसका, लिवली चाइल्डहुड बचपन. इससे यह पता चलता है कि माँ का बचपन खुशी भरा था. शी फील्स amused when she look at her childhood photograph. शी फील amused, उसे बहुत ही प्रसन्नता अनुभव होती है. ही फील्स amused, उसे बहुत ही खुशी अनुभव होती है. When she look at her childhood photograph, उसे प्रसन्नता महसूस होती है जब वह अपने बचपन का फोटो देखती है. She feels amused when she looked at her childhood photograph. उसे बहुत ही खुशी, feels मीने अनुभव होना, amused मीने खुशी, प्रसन्नता, when मीने जब, she looks, देखती है, at her childhood photograph, अपने बचपन की तस्वीर देखकर उसे बहुत ही खुशी होती है. फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइन बोथ वरी विद द लेबर्ड इज ऑफ लॉस. इस पंक्ति का क्या अर्थ है? दोनों हानि से कठिन मुक्ति पाने से
दोनों हानि से कठिन मुक्ति पाने से सिकुड़ गए थे। दोनों ही हानि से कठिन मुक्ति पाने से सिकुड़ गए थे। बोथ दोनों व्रीमिन होते हानि विद द लेबर इज ऑफ लॉस। दोनों हानि से कठिन मुक्ति पाने के लिए सिकुड़ गए थे। आंसर द पोएटेस हेयर ब्रिंग आउट ए सिमिलरिटी बिटवीन द फेस ऑफ हर मदर एंड हर ओन फेस। भी कवित्री है ना, अपनी माँ के चेहरे और अपने चेहरे के बीच में सिमिलरिटी यानी समानता को व्यक्त करती है। कवित्री द पोएटेस सॉरी द पोएटेस हेयर ब्रिंग आउट ए सिमिलरिटी बिटवीन द फेस ऑफ हर मदर एंड हर ओन फेस। कवित्री यहाँ अपनी माँ के चेहरे और अपने चेहरे में एक समानता का वर्णन करती है। बोथ द फेस हैड टर्न्ड व्री ड्यू टू द इंटेंस फीलिंग ऑफ देयर ग्रेट लॉस। बोथ द फेस हैड टर्न्ड व्री ड्यू टू द इंटेंस फीलिंग ऑफ देयर ग्रेट लॉस। और दोनों का क्या है, दोनों चेहरे अपनी गंभीर नुकसान के विचार से सिकुड़ गए हैं। दोनों चेहरे बोथ द फेस हैड टर्न्ड व्री सिकुड़ गए हैं ड्यू टू द फीलिंग ऑफ देयर ग्रेट लॉस, अपनी हानि के कारण। दोनों चेहरे अपनी गंभीर नुकसान के विचार से सिकुड़ गए हैं, ठीक है। दोनों चेहरे उसकी मदर का चेहरा और उसका खुद का चेहरा, दोनों ही चेहरे है ना अपनी गंभीर नुकसान के विचार से सिकुड़ गए हैं। कवित्री को तो ये लोग से भी उसकी मदर जा चुकी है इस विचार से सिकुड़ गई है, और उसका चेहरा भी काफी, अब मदर उसकी काफी ओल्ड हो गई है इसलिए उसका चेहरा सिकुड़ गया। द पोएटेस हैड लॉस्ट द लाफ्टर ऑफ हर मदर हु वाज नाउ डेड। कवित्री अपनी माँ की हंसी खो बैठी थी जो अब मर चुकी थी, ठीक है। द पोएटेस हैड लॉस्ट द लाफ्टर ऑफ हर मदर, माँ अपने बचपन की खुशियां खो बैठी थी। द मदर हैड लॉस्ट द जॉय ऑफ हर चाइल्डहुड, सॉरी ये लाइन रीड करनी थी। द मदर हैड लॉस्ट द जॉय ऑफ हर चाइल्डहुड, माँ जो है माँ के चेहरे और अपने चेहरे में माँ अपने बचपन की खुशी खो बैठी थी। द मदर हैड लॉस्ट द जॉय ऑफ हर चाइल्डहुड, माँ अपने बचपन की खुशी खो बैठी थी। द पोएटेस हैड लॉस्ट द लाफ्टर ऑफ हर मदर, कवित्री अपनी माँ की हंसी को खो बैठी थी। क्यों खो बैठी थी, हु वाज नाउ डेड, जो उसकी मदर जो है ना अब मर चुकी थी। सो डियर स्टूडेंट, ये 5 क्वेश्चन थे इस पोएम के, ये आपको राइट करने हैं और लर्न करना है। सो थैंक्स।